तो है, 3.5 लाख करोड़ रुपए की करेंसी आई थी, अमित शाह के बैंकों में घुसा दी गई है, वो आया तो है काला धन, कौन मना कर रहा है। नकली करेंसी 3.5 लाख करोड़, उस कंटेनर का आज तक पता नहीं वो कंटेनर कहाँ गया जिसमें फर्जी करेंसी थी। आए दिन 500 के नोट 1000 के नोट नकली पकड़े जाते थे, नोट बदली में एक भी नोट सामने नहीं आया। आज तक हिंदुस्तान का आदमी को ये बताने को तैयार नहीं है, रिजर्व बैंक से, भारत सरकार से कोई बताने को तैयार नहीं है कि जी इतने नकली करेंसी छपती थी वो कितनी थी। ये लोग कह रहे थे करीब 3.5 लाख करोड़ करेंसी जो है हमारे पास वापस नहीं आएगी। कितने शर्म की बात है, क्या क्वालिफिकेशन है तुम्हारी, क्या कैलकुलेशन है तुम्हारी। जितना तुम बता रहे थे 14 लाख करोड़, उससे भी ज़्यादा पैसे आ गए। हमें जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है IUML की तरफ से, तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्यों किया जा रहा है जी। देखिए ये जो जालिमों की सरकार है, इस सरकार ने आम जनता का जीना मुहाल कर दिया है। ये जो लुटेरों की सरकार है, इसने हमारे देश के रिजर्व बैंक का रिजर्व लूट लिया है। और कितने शर्म की बात है, इस देश की वित्त मंत्री से जब पूछा जाता है कि 1,76,000 करोड़ आ रहे हैं उनका क्या होगा, कितना बेशर्मी भरा सवाल का जवाब वो देती हैं, वो कहती हैं अभी इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। शर्म आनी चाहिए, डूब कर मर जाना चाहिए इस देश के वित्त मंत्री को, उसको ये मालूम नहीं कि 1,76,000 करोड़ रुपये आप बैंक से निकाल रहे हैं, आपकी पॉलिसी क्या है। या तो आपको पता नहीं है, या आप बेवकूफ़ बना रहे हैं, धोखा देने झूठ बोल रहे हैं आप। आपको सब मालूम है, आप लुटेरे हो, चोर चोर मोसेरे भाई हो। ये अलीबाबा 40 चोर की सरकार है, ये कहीं डाका डालने से चोरी करने से नहीं चुकेंगे। ये कहते थे देश की तिजोरी पर हाथ नहीं डालूंगा, देश की तिजोरी में घुसकर बैठ गए हैं। हम पूछना चाहते हैं 36,000 करोड़ पहले लिए, 1,76,000 करोड़ अब ले लिए, क्या बचा रिजर्व बैंक के पास। आखिर हमारा रुपया डाउन जा रहा है। मोदी जी कह रहे थे जिस देश का प्रधानमंत्री बेकार होता उस देश की जो है करेंसी भी बेकार होती। अब आप बताइए आप अपने भाषण पर क्या कहना चाहेंगे। आप ये कह रहे हैं जिस देश की सरकार खराब होती है उस देश की करेंसी डाउन होती है, साख डाउन होती है। अब आप बताइए आप कैसे साख डाउन होती है। आप ड्रामा कर रहे हैं अमेरिका में जाकर के, फूल गिरता है तो उसे उठा लेते हैं कि कुचल जाएगा, और लोग जो कुचले जा रहे हैं तुम्हारी सरकार में है? क्या तुम्हारा हाथ है इसके पीछे, क्या तुम शामिल हो इसमें, क्या तुम्हारी पार्टी शामिल है इसमें, क्या तुम्हारी प्लानिंग है? ये ढोंग करते हैं आप लोग, कहीं किसी कुत्ते का बच्चा नीचे ना आ जाए, और इंसानों के बच्चे जो मारे जाए उनकी कोई परवाह नहीं। इन्हीं के संगठन, इन्हीं के लोग मिलकर के प्रोग्राम कर रहे हैं। आप लोग कत्ल करते हैं, मॉब लिंचिंग करते हैं, आपके अधिकारी झूठा मुकदमा लिखते हैं, मॉब लिंचिंग लिखते हैं, कत्ल को मॉब लिंचिंग लिखते हैं। शर्म नहीं आती इनके सरकार में? जुल्म ज्यादती की सरकार है, कैसी तानाशाही की सरकार है, कोई अधिकारी सुरक्षित नहीं। कितने शर्म की बात है, CBI कार्यालय में रात को पुलिस घुस जाती है। कौन सी सरकार चला रहे हैं आप, कौन सा देश चला रहे हैं आप? कितना शर्म की बात है, इस देश का रक्षा मंत्री उसको ये मालूम नहीं कि पैसा कहाँ के लिए आ रहा है, पैसा कहाँ जाना है, पैसा कहाँ खर्च होना है। शर्म आनी चाहिए, डूब कर मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को जो देश की जनता को गुमराह करते हैं। और वो वक्त बहुत करीब आने वाला है जब इस देश की जनता इनको जूते मार के निकालेगी। दिल्ली तो दिल्ली, दिल्ली के आसपास के देहात में भी इनका कोई आदमी दिखाई नहीं देगा। अब वो वक्त आने वाला है, इसीलिए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने भारत के संविधान की रक्षा के लिए, भारत की यकजहती को रक्षित रखने के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने के लिए, इसके लिए हमने प्रोग्राम किया है। हमने इस देश का संविधान लिखवाया है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जो कमेटी के मेंबर थे, चेयरमैन थे, वो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, वो मुस्लिम लीग से थे। और हमने इस देश का संविधान लिखवाया, इसकी रक्षा भी हम करेंगे। इस देश की जनता को इंसाफ हमने करना सिखाया। 800 साल हुकूमत ऐसे चलती है क्या? हमने तो कभी कोई सा किला नहीं लूटा, हमने तो कभी कोई बैंक नहीं लूटा। इतने सारे बैंक हमारे बुजुर्गों ने बना के दे दिए, इतने सारे किले बना के दे दिए, इतनी सारी सड़कें बना के दे दी। हम रोड बनाते थे तो रोड के किनारे फ्रूट का पेड़ लगाते थे ताकि कोई मुसाफिर भूखा ना मर जाए। ये कैसे लुटेरे आ गए हैं कि बैंक में से पैसा लूट रहे हैं? विकास होगा देश में, काला धन वापस आएगा, तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? आया तो है, 3.5 लाख करोड़ रुपए की करेंसी आई थी, अमित शाह के बैंकों में घुसा दी गई है, वो आया तो है काला धन, कौन मना कर रहा है। नकली करेंसी 3.5 लाख करोड़, उस कंटेनर का आज तक पता नहीं वो कंटेनर कहाँ गया जिसमें फर्जी करेंसी थी। आए दिन 500 के नोट 1000 के नोट नकली पकड़े जाते थे, नोट बदली में एक भी नोट सामने नहीं आया। आज तक हिंदुस्तान का आदमी को ये बताने को तैयार नहीं है, रिजर्व बैंक से, भारत सरकार से कोई बताने को तैयार नहीं है कि जी इतने नकली करेंसी छपती थी वो कितनी थी। ये लोग कह रहे थे करीब 3.5 लाख करोड़ करेंसी जो है हमारे पास वापस नहीं आएगी। कितने शर्म की बात है, क्या क्वालिफिकेशन है तुम्हारी, क्या कैलकुलेशन है तुम्हारी। जितना तुम बता रहे थे 14 लाख करोड़, उससे भी ज़्यादा पैसे आ गए। इसका मतलब नकली करेंसी तुम लोगों ने खपाई है, तुम लोगों ने छापी है, और तुम ही लोगों ने इस देश की अर्थव्यवस्था को ठप किया है। इन लोगों ने इस देश की व्यवस्था को 8% से लेकर के, आज मैं गारंटी से कहता हूँ हमारे देश की GDP 5% भी नहीं है, गारंटी से उससे नीचे, क्योंकि झूठे मक्कार लोगों की सरकार है, झूठे आंकड़े हैं इन लोगों के पास। देश में
अर्थव्यवस्था खराब होती जा रही है, मंदी होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। लेकिन मोदी जी ने कुछ समय पहले रूस को पैसे, उनके विकास के लिए पैसे दिए थे, उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, इन्होंने कहा था कि देश में अर्थव्यवस्था डाउन जा रही है, हम 176,000 करोड़ बैंक से निकाल करके देश की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए खर्च करेंगे। देश की अर्थव्यवस्था रशिया को 1,00,000 करोड़ देने से संभलेगी? बेवकूफ़ बना रहे हैं आप देश की जनता को। 1,00,000 करोड़ रशिया को दे दिया, रशिया के एक आदमी की $10,000 पर एनम पर ईयर की आमदनी है, हिंदुस्तान के नागरिक की $1,350 की पर ईयर आमदनी है। $1,350 कमाने वाला $10,000 कमाने वाले को लोन दे रहा है, बेवकूफ़ बना रहे हैं आप। हमें तो ऐसा लगता है आपकी इसमें परसेंटेज फिक्स है, आप कहीं ना कहीं परवेज मुशर्रफ की तरह मुल्क छोड़ के भागने की तैयारी कर रहे हैं। आपने जगह जगह अपने ठिकाने तय किए हैं और आप इस मुल्क को छोड़ कर रातों रात भागने की तैयारी में हैं। मोदी सरकार तो कहती है कि सबसे ज़्यादा अत्याचार इन्हीं की सरकार में कम हुए हैं, बंद हुए हैं, आप इस पर क्या कहेंगे? अभी हमारा प्रोग्राम हुआ था, तकरीबन 150 मुकदमे जो है मॉब लिंचिंग के हैं। क्या मॉब लिंचिंग अपराध नहीं होता है? क्या ये कथा होती है? क्या ये धार्मिक कार्य है? ये आप बताइए, पहले क्रिमिनल क्राइम होता था, एक आदमी एक क्राइम करता था, आप हज़ार लोग मिलकर के एक क्राइम कर रहे हैं और उनको उनके मालाएं डाली जा रही हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है। पर चोरों का स्वागत कर रहे हो, कातिलों का स्वागत कर रहे हो? कौन से स्टैंडर्ड के लोग हो तुम? कौन से देश के लोग हो तुम? कौन से संविधान के लोग हो तुम? तुम्हारे मुँह पर कालक पोतेगी इस देश की जनता। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।